नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज आपको दर्शन करवा लाते हैं गणपति बप्पा के, प्रथम पूजनीय देवताओं में श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि की दाता गणेश जी भगवान की। और हम जा रहे हैं चौक में स्थित अग्रवाल मैरिज लॉन में, जहां भगवान को स्थापित किया गया है। तो चलिए फटाफट से अंदर दर्शन करते हैं और आप वो दर्शन करवा लाते हैं गणेश जी भगवान की। हम बिल्कुल एंट्री गेट से अंदर जा रहे हैं और ये एक मैरिज लॉन है जहाँ भगवान जी को स्थापित किया गया हुआ है। 4-5 दिन के लिए गणेश जी को स्थापित करते हैं। वैसे तो बॉम्बे वगैरह में तो कई दिनों तक रहता है ये त्यौहार, लेकिन हमारे बनारस में सिर्फ 4-5 दिनों तक के लिए होता है। तो यहाँ देखिए गणेश जी बाबा के दर्शन कर लीजिए आप सब कोई, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। हमारे बनारस में बहुत बड़ा मंदिर है गणेश जी भगवान का, लोहटिया पर ही है, बड़ा गणेश के नाम पर। उस जगह का नाम ही बड़ा गणेश रखा गया है। बहुत बड़ी प्रतिमा है बड़ा गणेश पे गणेश जी भगवान की। और यहाँ पे अंजलि भी आई थी। अंजलि को तो आप सब जानते होंगे, मेरी वीडियो में कई बार ही आ चुकी हुई हैं। मेरे घर के बिल्कुल पास में रहती है, मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त भी है। लगभग 4 से 5 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए आप सब भी प्रसाद ले लीजिए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। बोले गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या। सो अंजलि प्रसाद ले रही है और प्रसाद लेके चली जाती है। वो यहीं पे आसपास में जॉब भी कर दी है। तो बप्पा से विदाई लेते हैं और हम भी चलते हैं यहाँ से। पैदल ही जा रहे हैं गंगा जी दर्शन करने के लिए और वहाँ की बारिश का मुआयना करने के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं गंगा जी, चले ही हैं हम। चलिए आपको भी चलते हैं। सामने आपको अब काशी कॉरिडोर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप। मैं बिल्कुल अकेले और एकदम पैदल चली जा रही हूँ और आप सबको दिखा देती हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के सामने अभी भी भीड़ है। दोपहर के धीरे धीरे 2 बज चुके हैं, पर भीड़ तो है, कभी कम होने का नाम लेती नहीं है। मंदिर के अंदर अगर आपको जाना है तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, दर्शन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे आपको। दिलाले भोजन करने घर से हम बहुत सुबह निकले थे और बगैर कुछ खाए पे निकले थे, एक कप चाय पी करके। चलते फिरते बहुत तेज़ भूख लगाई है, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अन्नपूर्णा भोजनालय, जो है बनारस में ही है। बनारस में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि आप यहाँ भूखे आ तो सकते हैं, पर कभी भूखे सो नहीं सकते। कभी बाय चांस आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है, तो आप यहाँ पर आ करके आराम से भोजन कर सकते। आपको दोनों टाइम के निःशुल्क भोजन कराए जाएंगे। यहाँ देखिए मैं भी बैठ चुकी हूँ और मैंने भोजन करना शुरू कर दिया हुआ है। और बहुत स्वादिष्ट और बहुत साफ सफाई से यहाँ भोजन मिलता है। आराम से किसी को भी आप बता सकते हैं कि यहाँ से आइए और भोजन करके ही आप यहाँ जाइएगा। बांस फाटक पर अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र के नाम पर ये ट्रस्ट पे बना हुआ भोजनालय है। आप आराम से आके निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देखिए मेरे भोजन करने के तुरंत बाद यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, बाहर से कितने श्रद्धालु आए हुए हैं भोजन करने के लिए। बहुत ध्यान से बैनर को पढ़ लीजिए, ये अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र है। तो यहाँ कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करिएगा, क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी के लिए बहुत लाभकारी साबित हो जाए। माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से यहाँ कभी भी खाने की कभी कोई कमी होती नहीं है। सुबह हो या शाम हो, आपको भरपेट भोजन मिले। अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र के जस्ट पीछे आपको काशी कॉरिडोर दिखाई दे रहा होगा। ये पुराना रास्ता है, गेट नंबर 4 से यहाँ आप एंट्री कर सकते हो। वैसे तो कई रास्ते हैं आपको मंदिर में जाने के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के कई रास्ते हैं, पर आप इधर से भी आ सकते हो, ये शॉर्टकट है।
पर मंदिर के अंदर में मोबाइल एकदम अलाउ नहीं था, तो मंदिर के अंदर दर्शन में नहीं करवा पाऊँगी आप लोगों को, इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो 12वां ज्योतिर्लिंग भी है, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काम चालू है, अभी भी यहाँ पर बार बार घिसाई चल रही है, और पीछे अन्नपूर्णा मंदिर भी है। तो आप भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए काशी विश्वनाथ बाबा की, और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति कर लीजिए। और यहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी है विश्वनाथ गली से विश्वनाथ जी मंदिर जाने के लिए, जहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इधर से चप्पल उठा लीजिए, मोबाइल वाला लग गया। एक फाउंडेशन निकाल दीजिए। नहीं है पास में, चोड़ी कंगन है। ये कड़ा कैसा है तौर वो लग रहा है। कौन सा? ये रेड वाला चूड़ा। हाँ हाँ, चूड़ी है क्या? विश्वनाथ गली जाओ और आपको कॉस्मेटिक पसंद ना आए और आपका मन न ललचाए, ऐसा कैसे हो सकता है? रामनगर। अच्छा, जी यहाँ बहुत उपड़ाव से काम करने आते हैं ना। इसको पैक कर दीजिए। आप तो जानती हैं ज्वेलरी खरीदना हमारी कमजोरी होती है, यहाँ तो बहुत रेंज है। आगे बढ़ते हुए मैं आ चुकी हूँ गंगा जी यानी दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी झमाझम वाली बारिश हो रही है। सावन में बारिश उतनी नहीं हुई जितना कि अब भादो महीने में बारिश हो रही है। लगातार 3 घंटे बारिश होने के बाद अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बाढ़ यहाँ बढ़ चुकी है। अभी तक तो आपने देखा कि बाढ़ घट रहा है, पानी घट रहा है, और ये देखिए क्या नज़ारा है, पानी फिर से बढ़ चुका है। तक तो पानी घाट के नीचे ही था, और आप देख सकते हैं कि पानी घाट के ऊपर भी आ गया है, सड़कों पर भयंकर पानी लग गया। बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए कुल्हड़ वाली, तो बस हमें और क्या चाहिए, बस मज़ा ही आ गया चाय पीने के बाद। मैं यहाँ पर तो वीडियो शूट करने के लिए आई थी, थोड़ा मैं वीडियो दिखाऊंगी दिशा में पानी कितना घटा हुआ है, पर यहाँ नज़ारा तो कुछ और ही हो चुका है। भयंकर वाली बारिश हुई, सब कुछ मेरा प्लान ही बिगड़ गया, अब क्या कर सकते हैं। अभी तक तो ये था कि बाढ़ घट रहा है घट रहा है, पर अभी आप क्या करिएगा, अभी 1 महीना बारिश होने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, और देखिए पानी रास्तों में भी अब लग चुका है, इतनी दिक्कत लोगों को हो रही है जाने आने में। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत पानी भी है बारिश को। सच माने में कोई अगर एंजॉय करता है तो वो होते नन्हे मुन्ने से बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और ये लोग जानबूझ के पानी में पैर डाल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, क्या ही कहने, बचपना होता ही ऐसा है, पूरी एंजॉय के साथ, ना किसी चीज़ की चिंता ना कोई फिक्र, फुल एंजॉय और फुल मस्ती। बारिश के कम होते तुरंत हम फटाफट से वहाँ से निकल गए, और हम आ चुके हैं अब गोदुलिया पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रास्ता यहाँ से और भी है मंदिर जाने का, और यहाँ भीड़ देखिए, भीड़ तो यहाँ हमेशा ही रहता है, बनारस की तो बात ही अलग है, और हम बनारसी हैं, इस बात का तो मुझे बहुत ही गर्व है कि हम बनारसी हैं।
तो बस इसी के साथ फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।